इस पर अमल ही नहीं है, कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा होगा, कोई किसी ने किया होगा। रोजे रखे हुए ना, रोजे रखे हुए ना सब। यहाँ भी बंदा गिर के बेहोश हुआ है, यहाँ बंदा गिर के बेहोश हुआ है। नहीं यहाँ नाइंसाफी बहुत हो रही है, पीछे से लोग आगे जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। बस यही तावन किया जाए, बल्कि उन गरीब लोग आवाम को पहले दी जाए, और जो वर्कर हैं वो अपना ख्याल करें कि आप इधर वर्कर हैं तो आप गरीब आवाम की ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका होस्ट सलमान अब्दुल वाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। जी नाज़रीन, आज मैं इस वक्त गुलशन रवि के इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे बहुत सारी आवाम खड़ी हुई है, जो कि चीनी लेने के लिए यहाँ पर लंबी कतार में खड़ी हुई है, जो यहाँ पर चीनी के लिए खड़े हैं। आइए चलते हैं, इनसे पूछते हैं इसके बारे में कि वो चीनी इनको आज मिल जाएगी या नहीं। जितना यहाँ पर रश लगा हुआ है, SOPs पर भी अमल नहीं है और लोग सारे जुड़ के खड़े हुए हैं, और कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी कर दिया गया है। तो आइए चलते हैं, लोगों से पूछते हैं इसके बारे में। यहाँ इतनी लंबी लाइन में खड़े हुए हैं यार, 12 बजे खड़े हुए हैं तो 2 बज गए ना, ये तक चीनी नहीं मिली। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपकी अफ्तारी भी और सहरी भी यही होने वाली है। यही बात हो सकती है जी। तो कितनी चीनी लेनी है? वज़ीर आला ने 2 किलो चीनी देनी सारी, उन्होंने 2 किलो चीनी देनी है। और ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि इतनी लंबी लाइन लगी है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक लाइन जाएगी, और लोगों को इतना बड़ा हजूम है यहाँ पर। वज़ीर आला जान रो हंडे हैं, लहरा च लग रहे धक्के खाने पे। तो क्या रेट मिल रहा है चीनी का? 165 रुपये, 65 रुपये किलो के हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जल्दी चीनी मिल जाए। हम आगे लोगों से भी बात करते हैं इसके बारे में, कब से आए हैं यहाँ पर? और भाई जान, ये जो लाइन लगी हुई है, इनको वो 1 घंटे का वक्फा किया है। 1 घंटे का वक्फा किया है किस चीज़ का? नमाज का, पता नहीं किस चीज़ का किया है। 20 मिनट ऊपर हो गए हैं, अभी तक चीनी की सप्लाई नहीं शुरू हुई। और दूसरा मसला ये है कि जब से ये कोरोना वगैरह ये कह रहे हैं आया है, ये फ्लैटें वगैरह बंद करा सकते हैं, मार्केटें बंद करा सकते हैं, चीनी मार्केट में नहीं ला सकते। हुकूमत इतनी पावर कर सकती है, ये चीज़ें नहीं कर सकती। सभी समय पर अमल नहीं हो रहा, मतलब लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा। लॉकडाउन ये आपके सामने ही आप देख ही रहे हैं, ये मिसाल दे रहे हैं, यहाँ तो फिर इसको भी बंद कर देते। ये तो कब से खड़े हैं आप? मुझे वैसे तो आधा घंटा तकरीबन हो गया। हमें 2 घंटे हो गए खड़े को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमें 2 घंटे हो गए खड़े को, हम 12 बजे हैं, 1 बजे तक इनकी रेस्ट थी, इन्होंने रेस्ट करने जानी थी, 2:15 हो गए, अभी तक चीनी नहीं आई यहाँ। तो वो आया बंदा, वो यहाँ आके खड़ा हुआ, बस उसका कोई काम नहीं है यहाँ। तो आप जैसे चीनी लेने खड़े हैं? चीनी के लिए इतनी आवाम दलील हो रही, क्या कर रहे हैं? अब एक दुकानदार है, वो बेच रहा है, जो घी बेच रहा है वो बेच रहा है 250 रुपये का, दूसरा दुकानदार है 255 रुपये का बेच रहा, तीसरा जो 60 रुपये का बेच रहा है। यहाँ कितने का पूछे तो वो कहते हैं भाई लेना लो, नहीं लेना तो जाओ। यहाँ पर ये रेट मिल रहा है? नहीं नहीं यहाँ पर नहीं है, यहाँ चीनी सिर्फ आटा है बस। यहाँ और तो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ देख लें आप, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी नहीं कर रहा होगा, कोई किसी ने किया होगा? रोजे रखे हुए ना जी। ठीक है, यहाँ भी बंदा गिर के बेहोश हुआ है, यहाँ बंदा गिर के बेहोश हुआ है, वो बाबा जी बैठे हैं, वहाँ बेहोश हुआ है बंदा। ठीक है, उसको उठा के वहाँ से वो सीट पे बैठाया, पंखा लगा दिया हमने। इस्लाम कब से खड़े हैं यहाँ पर? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में आप कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पर आए हैं? वो से शुरू कर हुए हैं, तो आप टाइम हो गया था इनका। अच्छा, तो अभी इन्होंने रोक दिया? हाँ जी हाँ। ये SOPs पर अमल नहीं हो रहा, सब एक साथ एक चिपक के खड़े हुए हैं सर, रश ही बहुत है। ये पार्किंग स्लो अब तो शुरू की है, दो पैकेट दिए हैं अभी, ये दो पैकेट दिए हैं हाफ टाइम के बाद, 2 बजे शुरू करनी थी इसने। घंटा डेढ़ होया है तो रोजा भी रखा होगा आपने? हाँ जी। यहाँ पर इतना बुरा हाल है, गर्मी में इतनी लाइन लगाई हुई है। हाँ जी हाँ जी, बहुत बुरा हाल। क्या कहने जाएंगे आप इसके बारे में? चीनी लेने आए हैं। सही। जी आप यहाँ चीनी लेने की बैठी? हाँ जी बेटा। कितनी देर से बैठी? 2 घंटे हो गए बेटा। 2 घंटे हो गए हैं, तो क्या उम्मीद है कब तक मिल जाएगी? वो कहते नमाज पढ़ने गए थे। नमाज पढ़ने गए हुए थे? सही, इसलिए इतनी देर। आपने कहा जाएगी अफ्तारी बनानी होगी, अभी जाहिर है बच्चों की यहाँ से फ्री होके जाएंगी, फिर अफ्तारी में। हाँ जी बेटा। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। यहाँ पर लाइन में बैठी हुई हैं, क्या लेने के लिए? चीनी भाई की बात है। तो कितनी देर से बैठी हुई हैं यहाँ पर? 2 घंटे हो गए हैं। सिर्फ चीनी के लिए? जी। सही। तो क्या उम्मीद है कि मिल जाएगी यहाँ पर इतने रश में इतनी देर से? नहीं यहाँ नाइंसाफी बहुत हो रही है, पीछे से लोग आगे जाए जा रहे हैं, बस यही कर रहे हैं सुबह से। आप बैठी हुई हैं तो जब उठेंगी तो आपकी बारी आएगी ना? हम नाइंसाफी नहीं करते, हम बैठे हुए हैं, वो आएंगे तो फिर हम चले जाएंगे। सही। पीछे से लोग उठ के आगे जाए जा रहे हैं, और वो लोग कब से गायब हुए हैं, घंटे से गए हुए हैं। यहाँ पर SOPs पर भी अमल नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं, कोरोना इधर ही है सारा। तो ये लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पता नहीं, यही कि मतलब थोड़ा करें, ये लोग पुलिस वगैरह भी यहाँ कुछ नहीं कर रही, सारे ऐसे बस खड़े हुए हैं, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा।
सही अपनी सारी मर्जियाँ कर रहे हैं। जी नाजरीन, जैसे कि आपने सुना है यहाँ पर कि SOPs पर भी अमल नहीं हो रहा, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, रश भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और SOPs पर भी अमल नहीं हो रहा। लॉकडाउन का नाम लिया गया लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पर लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा, लोगों का हजूम है, कोरोना यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा। तो इस पर हुकूमत को चाहिए कि इस पर एक्शन लिया जाए, लोगों को आसानियाँ फराम की जाए। एक तो रोज़े में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अफ्तारी भी लोगों ने बनानी है, जितनी देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर घर पहुँच कर टाइम पर अफ्तारी बना सकेंगे, तो लिहाजा इन पर अमल किया जाए, लोगों को आसानियाँ दी मिल रही है इस वजह से इधर से ले रहे हैं। ये मतलब बहुत नाइंसाफी हो रही है, यहाँ पर SOPs पर भी अमल नहीं किया जा रहा है, कोई अमल नहीं है, और जो पीछे पार्किंग भी स्लो है मुझे लग रहा है काफ़ी। जी बहुत ज़्यादा, और पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो आगे आ रहे हैं और जो बाद में पहले आए हुए वो इधर बैठे हुए हैं। मैंने सुना है यहाँ सिक्योरिटी भी शायद मुलवई से इसके अंदर जो मतलब जानने वाले आ रहे हैं उनको पहले दी जा रही है, जो लोग अननोन है उनको वैसे बिठाया जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है ये सारा लोग। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम गरीब आवाम के साथ उनके साथ तावन किया जाए, कंप्रोमाइज़ किया जाए, ताकि वो जो गरीब लोग बाहर से लेने वाले नहीं इधर आके ले रहे हैं उनके साथ तावन किया जाए, बल्कि उन गरीब लोग आवाम को पहले दी जाए, और जो वर्कर हैं वो अपना ख्याल करें कि आप इधर वर्कर हैं तो आप गरीब आवाम की ज़्यादा करें, ये नहीं कि अपने रिश्तेदारों के लिए आप करें। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा यहाँ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, और SOPs पर भी अमल नहीं किया जा रहा है, और कोरोना की वबा की वजह से यहाँ पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, लेकिन लोगों का यहाँ पर SOPs पर अमल नहीं है और ना ही कोरोना का डर है। और यहाँ चीनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के साथ मिली जा रही है, यहाँ लोगों ने रोज़े भी रखे हुए हैं, घर से निकले हुए हैं, काफ़ी देर से यहाँ पर मौजूद हैं जो सिर्फ चीनी लेने के लिए। हमने सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाई है चीनी, बाकी चीज़ों की अभी हम गए नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर इतना बुरा हाल है। तो अगर हुकूमत को चाहिए, आवाम का भी यही कहना है कि अगर यही चीनी अगर आप लोगों को दुकानों पर प्रोवाइड कर दी जाए तो उनके लिए आसानी हो, यहाँ पर इनको खजल और उन्होंने पड़े रोज़े की हालत में, ऊपर से शदीद गर्मी है, और एक शख्स अभी यहाँ बेहोश भी हुआ है जिसे उसको उन्होंने रहम खाकर उसको बेचारे को चीनी दे के उसको घर भेज दिया। तो अगर आवाम हुकूमत इस पर एक्शन ले और लोगों को चीनी मोहल्लों में ही प्रोवाइड कर दी जाए, दुकानों में प्रोवाइड कर दी जाए, तो उनके लिए आसानी है, उनको यहाँ खुआ उन्होंने पड़े। तो इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के मान।